ट नंबर थर्टी सेवन ट्वेंटी 37, 25 MCQs क्यूज इन थर्टी मिनिट ये सेक्शन वन है पॉलिटी हमें बताना है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है अगर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन पे एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है तो प्रेसिडेंट इनमें से किस आर्टिकल के थ्रू ये ऑर्डर पास कर सकते हैं सो यू हैव टू टेल द राइट ऑप्शन राइट ऑप्शनल नंबर थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी दिस इज क्वेश्चन नंबर टू वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो डब्ल्यू सी सी बी ये काफी इंपॉर्टेंट बात है इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इस इंस्टीट्यूशन में जो वाइल्ड लाइफ ट्रैक होती है वाइल्ड एनिमल्स का उसको मॉनिटर एंड स्टॉप कर्ब करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल होता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये एक स्टैचरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट स्टेचुरी मतलब लॉ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये एस्टैब्लिश है एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक बनाती है क्राइम डेटा बैंक मतलब यहाँ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जैसे फॉरेस्ट बीट गार्ड्स हैं एंड ऑल है उनको इमीडिएटली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दिस एनिमल सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक ये प्रिपेयर किया है इसने यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन सो द राइट ऑप्शन हेयर इज दिस सी ये दोनों करेक्ट है दिस इज ओ एब्सोलुटली ट्रू स्टेचरी बॉडी है अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक भी है सो द राइट ऑप्शन थ्री आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ इस पूरे साल में एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ज्यादा न्यूज में रहे रोल ऑफ स्पीकर भी कॉन्टिन्यूसली में न्यूज में है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्वेल्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एड हुआ था अमेंडमेंट एक्ट में टू कॉम्बैट द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन पॉलिटिकल डिफेक्शन आया राम गया राम इसको स्टॉप करने के लिए फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट आया था एनी क्वेश्चन कोई भी सवाल उठता है रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस दिस लोकसभा एंड एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर जरूरत होगा यू हैव टू टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू ये फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट इज एपसोलूटली ट्रू बट ये ट्वेल्थ शेड्यूल नहीं है दिस इज इजेंथ शेड्यूल सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल दो जो वर्किंग कमीशन रिपोर्ट आया है कॉन्स्टिट्यूशन का सेवरल रिपोर्ट्स एंड कमिटीज ने बोला है ये होना चाहिए बिकॉज मैनी टाइम्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रिक्वेस्टिड नॉलेज नहीं होती लीगल नॉलेज नहीं होती एंड मैनी टाइम्स वो बायस्ड भी हो सकते हैं ऐसे चार्जेस लगते हैं तो एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए बट ये है नहीं सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था सो so, थर्ड का आंसर हुआ दिस नीदर वन नॉर टू क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा अगेन स्पीकर ऑफ लोकसभा दिस पोस्ट इज बहुत ज्यादा न्यूज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउस हाउसेज होते हैं बिल सेकेंड हाउस में गया अग्रीमेंट नहीं हुआ तो एक जॉइंट सिटिंग होती है जॉइंट सिटिंग में प्रिसाइड किया स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो प्रिसाइड नहीं करेंगे इज इट ट्रू ड हैव द राइट टू वोट बिकॉज ये यहाँ पे दिस प्रिसाइडिंग है तो ये वोट नहीं करेंगे हैज़ द पावर टू एड द ऑफिस एड द हाउस तो स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस This is absolutely true. कर सकते हैं हाउस को प्रिसाइड करेंगे joint sitting को. Chairman, जो राज्यसभा होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो नहीं करते करते हैं. हैं. स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा को राइट टू वोट है ऑल दो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, हैं. बट right है. जब टाई हो रहा है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा कास्टिंग वोट डाल सकते हैं सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस वन एंड थ्री इज करेक्ट कास्टिंग वोट होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का सो दिस इज ट्रू नंबर फाइव विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इनमें से क्या कंसिडर्ड है एसेंशियल है फॉर रियलाइजेशन ऑफ हाइएस्ट गुड ऑफ इंडियन सिटीजनस इंडियन सिटीजन्स के लिए हाइएस्ट पोटेंशियल अचीव करें तो इनमें से क्या जरूरी है प्रियम्बल डी पी एस पी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स जब भी हम सिटीजन की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट right आता है जब भी हम स्टेट की बात करते हैं स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दिए गए तो डीपीएसपी आता है रिमेंबर दिस इज अबाउट सिटीजन सिटीजन को ये राइट्स मिले हैं ताकि वो अपना प्राइम पोटेंशियल अचीव कर सकें सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हैं डी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो स्टेट को दिया है कि आपको ये सारे काम करने हैं डी पी नॉन जस्टिसबल होते हैं फंडामेंटल राइट्स जस्टिसबल होते हैं राइट आंसर इज ए नो लेटेस्ट मूव टू हिस्ट्री ये हैदराबाद हैदराबाद था इट वॉज फाउंडेड बाय मीर कमर उदीन इंटीग्रेशन हुआ इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑपरेशन पोलो आया था उसके थ्रू हैदराबाद इंडिया में इंटीग्रेशन हुआ निजाम वॉज रिटेन हेड ऑफ स्टेट आफ्टर इंटीग्रेशन विद इंडिया इंडिया पहले बहुत सारे ऐसे 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे इंटीग्रेशन होगा इंडिया का इंडिया में ये सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे इंडिया में इंक्लूड होंगे तो यू हैव टू टेल अबाउट दिस हैदराबाद तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज़ रॉन्ग फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकेंड इज ट्रू ऑपरेशन पोलो के थ्रू हुआ है एंड निजाम जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना इनको शुरुआत में प्रीवी पर्सेज दिए गए थे कुछ बेटर यहाँ पे पर्कस एंड प्रिविलेज थे और काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड थे उनको गवर्नर भी बना दिया गया था हेड ऑफ स्टेट सो दिस इज ट्रू सो द राइट ऑप्शन हेयर इज दिस सी फिफ्टीन में बना था हैदराबाद कुली कुतुब शाह ने बनाया था और यह मूसी रिवर के बैंक में लोकेटेड है सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी दिस इज ट्रू दिस इज ट्रू दिस इज नॉट ट्रू ये नेम इज दिस कुली कुतुब शाह नंबर सेवन आपको बताना है शोम प्रकाश सोम प्रकाश एक न्यूज़पेपर है ये किसने स्टार्ट किया था सोम प्रकाश क्या दयानंद सरस्वती जी ने किया था स्टार्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ईश्वर चंद्र गुप्ता जी ने या लाला जगत नारायण जी ने शोम प्रकाश राइट ऑप्शन इज प्रकाश वॉज स्टार्टेड दिस न्यूज पेपर वॉज स्टार्टेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी राइट आंसर इज दिस बी नंबर एट मराठा एडमिनिस्ट्रेशन मराठा जो थे ये बाद में एक टाइप में वर्क करेंगे कॉन्फेडरेसी मतलब डिफरेंट यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्फेडरेशन बन के एक कंप्लीट मराठा एम्पायर बनेगा आपको बताना है कि जो पेशवा थे पेशवाई थे ये सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस पुना ग्वालियर इंदौर या राजकोट में पेशवा पेशवा कहां पे थे पेशवा थे पूना में सो द राइट आंसर हियर इज दिस ए पेशवाई इज इन पुना लुकेट हियर पेशवा पुणे में है गायकवाड़ बड़ौदा में है होलकर इंदौर में है सिंधिया सिंधिया ऑफ ग्वालियर है ये चंबल रीजन एंड उज्जैन मालवा रीजन में है भोसले नागपुर में है एंड पुआर पवार हैं देवासन धार में सो तो ये सब मिलके बनाते थे मराठा कॉन्फेडरेसी देन दिस इज नंबर नाइन आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जिन्होंने चेयर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को कानपुर सेशन में 1925 में इंडियन प्रेसिडेंट लिखा है अगर केवल प्रेसिडेंट होता तो इसका आंसर डिफरेंट होता यहां लिखा है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए सरोजनी नायडू जी और अगर इंडियन नहीं होता तो आंसर क्या होता ये 1925 में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है दिस इज नंबर टेन ये कुछ फेस्टिवल्स हैं न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं नया साल मनाते हैं न्यू ईयर फेस्टिवल न्यू ईयर फेस्टिवल और उनका रीजन नवरेह महाराष्ट्र में होता है इज इट ट्रू लुसोंग लद्दाख में होता है इज इट ट्रू आषाढ़ी बीज कच्छ एरिया में होता है इज इट ट्रू करेक्टली मैच्ड क्या है न्यू ईयर फेस्टिवल नया साल हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी होता है बट इंडिया में ये डिफरेंट चलता है न्यू ईयर इज समाइम ये डिफरेंट है न्यू ईयर फेस्टिवल आपको मैच कराना है नवरे लोसोंग और अषाढ़ी बीच द राइट ऑप्शन हियर इज इज एप्सोलूटली राइट महाराष्ट्र अषाढ़ी बीच कच्छ गुजरात एरिया में होता है ये लोसोंग लद्दाख नहीं है लोसोंग होता है दिस सिक्किम में सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी वन एंड थ्री वन एंड थ्री दिस इज नॉट ट्रू वन एंड थ्री इज ट्रू करेक्टली मैचड एट हियर ये एक लिस्ट है इसको मैं अभी शेयर करूंगा सारा पीडीएफ कंपाइलेशन हैव अ लुक चैत्र शुक्ल प्रतिपात ये ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल्स है ये बता रहा है विक्रम संवत वैदिक हिंदू विक्रम संवत का स्टार्ट गुड़ी पड़वा और उगाड़ी कहाँ पे होता है जिस चैत्र कर्नाटका आंध्र महाराष्ट्र में नवरे दिस ईयर कश्मीर में चैत्र नवरात्र साजिबू चेराबो चेराबा दिस इज दिस मीटी ट्राइब करती है मणिपुर में छेती चंद सिंधी कम्युनिटी देन दिस इज अबाउट बिहू बिहू रोंगाली बोहाग बिहू असमीस बैसाखी होता है लोसोंग होता है लोसोंग सिक्किम इज न्यू ईयर होता है लुक मैनी टाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दिस जोग्राफी अरेंज द फॉलोइंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अरेंज करना है गिलगित श्रीनगर और कारगिल यू हैव टू टेल द करेक्ट कोड वेस्ट दिस इज वेस्ट और दिस इज ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है इन सिटीज को सबसे इधर गिलगित है फिर यहां श्रीनगर आता है देन यहां कहीं कारगिल आता है सो द राइट ऑप्शन हियर इज राइट ऑप्शन इज दिस ए वन टू थ्री वन टू थ्री पहले गिलगित फिर श्रीनगर फिर कारगिल नंबर ट्वेल्व अभी सोलर एक्लिप्स आया था सोलर एक्लिप्स एक्लिप्स मतलब जैसे ये अर्थ है ये मून है और ये सन है अगर मून बीच में आ गया सन की रेज को ब्लॉक कर देगा तो वो सोलर क्या हुआ एक्लिप्स हो गया सोलर में ग्रहण लग गया तो दिस सोलर एक्लिप्स इसका नाम रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स कब हुआ था पार्शियल टोटल एन्युलर और हाइब्रिड पार्शियल मतलब ये कंप्लीट सन नहीं ब्लॉक हुआ है हाफ हुआ है टोटल मतलब कंप्लीट सन ब्लॉक हुआ है एंड देन हाइब्रिड मतलब दिस मिक्स एनुलर सोलर एक्लिप्स ये होता है कि केवल आपको रिंग दिख रही है यहाँ ऐसे रिंग दिख रही है सन की एंड मोस्ट ऑफ दिस सेंट्रल पार्ट इज ब्लॉक्ट बाय मून सो दैट इज दिस एनुलर सोलर एक्लिप्स केवल ऐसे आपको रिंग दिख रही है सो दैट इज दिस सी एनुलर सोलर एक्लिप्स रिंग ऑफ फायर ऐसे एक रिंग की तरह दिखता है बीच में डार्क है दिस इज रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ फायर ओके सो दिस इज सी एनुलर सोलर एक्लिप्स एक रिम दिस वॉल्केनो भी हैं पैसिफिक में जो ऐसा होता है रिम यहाँ पे काफी सारे वॉल्केनोज है टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है पैसिफिक ओशन अरेंज द फॉलोविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ टू साउथ आज न्यूज पेपर में हमने सारे नेशनल पार्क देखे पार्ट टू नॉर्थ टू साउथ आपको बताना है इन सारे बायोस्पेयर एंड दिस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व नागरहुल बांदीपुर मद्दूमलाई और वायनाद नागरहुल बांदीपुर मद्दूमलाई और वायनाद हमें पता है ये कर्नाटका है ये है केरला और ये नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व भी आ जाएगा सो यू हैव टू अरेंज सो इसमें राइट right ऑप्शन क्या होगा नागरह होल सबसे नॉर्थ में देन बांदीपुर मधुमलाई और वायनाद आएंगे सो द राइट ऑप्शन हेयर इज दिस सी सी सबसे नॉर्थ में आएगा नागरहोल नागरह होल के बाद आएगा बांदीपुर बांदीपुर के बाद इधर वायनाद है और फिर साउथ में मधुमलाई है ओके okay? तो नॉर्थ टू तो साउथ होगा सी वन टू फोर थ्री इसका अब अपन मैप देखते हैं ये मैप है ये नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व का मैप है यहां कुछ इंपॉर्टेंट है नागरोल ऊपर है ये बांदीपुर है दिस इज बांदीपुर बांदीपुर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व दिस इज बांदीपुर बांदीपुर के इधर थोड़ा नीचे यहां लेफ्ट में दिस इज वायनाथ वायनाथ दिस सेंचुरी देन नीचे आता है ये मुद्दू मलाई ये मुद्दू मलाई है देन मुखुर्ती और नीचे है साइलेंट वैली इज और टूवर्ड साउथ यहां ये सत्य मंगलम इज इम्पोर्टेंट ये कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा है वेस्टर्न घाट्स को और ईस्टर्न घाट को सत्य मंगलम ओके सो दीज आर इम्पोर्टेंट ये हैं सारे टाइगर रिजर्व नॉर्थ टू साउथ एंड दिस इज नीलगिरी दिस एंटायर बायोस्पेयर नंबर फोर्टीन घड़ियाल घड़ियाल जो है दे आर ओनली फाउंड फ्रेश वॉटर ऑफ हिमालय रिवर सिस्टम दो होते हैं एक होता है घड़ियाल घड़ियाल का जो स्नाउट होता है ना वैसे घड़े की तरह होता है दैट इज इसको घड़ियाल बोलते हैं एक और होते हैं वो होते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये जो भीतर का तरफ ओडिशा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल डिफरेंट है ये घड़ियाल है घड़ियाल फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम घड़ियाल फ्रेश वाटर रिवर पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर वाटर येस दिस इज टू वाइल्ड लाइफ एक्वेटिक एनिमल स्पीशीज गैंगेटिक डॉल्फिन ये जितनी ज्यादा होती है मतलब रिवर क्लीन है गुड इंडिकेटर है दे आर इंडिकेटर्स बायो इंडिकेटर्स ऑफ दिस क्लीन रिवर वाटर दिस इज एबसोलूटली ट्रू ये रोंग है ये रॉन्ग क्यों है क्योंकि घड़ियाल ओनली इन फ्रेश वाटर ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम नहीं एक रिवर है जिसका नाम है चंबल चंबल में बहुत सारे घड़ियाल मिलते हैं तो वो तो हिमालयन ऊपर नॉर्थ में नहीं है सो द राइट ऑप्शन हेयर इज दिस बी ऑल दो चंबल फिर आगे आगे जाके इस सिस्टम में मिलेगी बट द पॉइंट इज ये चंबल रिवर भी है सो दिस इज बी सो द राइट ऑप्शन इज दिस टू ओनली दिस इज फॉल्स दिस इज ट्रू दिस इज फॉल्स टू ओनली नंबर फिफ्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेन एक बार प्रश्न आया था आयरन क्या राजस्थान में भी मिलता है फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेन टेन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है उड़ीसा में होता है क्या झारखंड राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ इसमें जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा दिस छत्तीसगढ़ डी छत्तीसगढ़ ये जो दंतेवाड़ा एरिया है ना यहाँ पे टिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है सो दिस डी इज द राइट ऑप्शन सो दिस कंप्लीट्स जोग्राफी लेट इस टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स नाउ इकोनॉमिक्स में हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी पढ़ लिया है एंड देन सब्सिडी के अगेंस्ट तो दिस इज एंटी डंपिंग ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है मतलब फॉरेन से बहुत ज्यादा डंप कर रहे हैं दिस मार्केट डिस्ट्रॉशन प्रैक्टिस है कोई फॉरेन कंट्री अपने प्रोडक्ट डंप कर रहा है दिस होस्ट कंट्री में तो होस्ट कंट्री उसको नेगेट करने के लिए काउंटर बैलेंस करने के लिए डंपिंग ड्यूटी लगा देगी डंप नहीं करने दे रहे हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी काउंटर वेलिंग ड्यूटी फॉर सब्सिडी था ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अथॉरिटी कौन सी होगी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस ट्रेड रेमेडी एक्साइज या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई यहां पर नहीं आएगा यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी दिस बी द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी दिस इज द ट्रू ऑप्शन कोऑपरेटिव बैंक ये बहुत ज्यादा अभी न्यूज में डिस्कशन चल रहा है न्यूज पेपर में कोऑपरेटिव बैंक बिकॉज डिफॉल्ट बहुत कर रहे हैं जिस पीएमसी का हुआ था डिफॉल्ट मोरेटोरियम में रखना पड़ता है देन जो इसमें पैसा जिन्होंने रखा है उनकी सिक्योरिटी की बात आती है तो कोऑपरेटिव बैंक फेडरल रिलेशन भी आ जाते हैं कि इन पे गवर्न किसका होगा विद रेफरेंस टू कोऑपरेटिव बैंक द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट इंक्लूडेड इन द लीगल डेफिनेशन ऑफ बैंक इन इंडिया क्या ये लीगल डेफिनेशन ऑफ बैंक इन इंडिया में इंक्लूडेड नहीं है ये बैंक रेगुलेटेड बाय आरबीआई है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अभी क्या एक्ट हमने अभी पढ़ा था लोकसभा तो क्या ये अंदर आते हैं आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंदर यू हैव टू टेल द करेक्ट इज दिस ट्रू इज दिस ट्रू सो द राइट ऑप्शन इज इज राइट ऑप्शन दिस डी ये जो दोनों हैं दोनों रॉन्ग है बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूडेड है लीगल डेफिनेशन ऑफ बैंक इन इंडिया यहां नॉट लिखा है तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट ये इंक्लूडेड है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिस इज इंक्लूडेडीन फोर्टी नाइन अभी लोकसभा में एक बिल पास हुआ है जिसमें ये बैंक रेगुलेटेड बाय आरबीआई होंगे अंडर द बैंक रेगुलेशन एक्ट बट अभी ये बिल है अभी ये एक्ट नहीं बना है तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स तक ये होगा भी नहीं सो so, इस स्टेटमेंट को आज की डेट में हम करेक्ट नहीं मानेंगे दिस इज रॉन्ग राइट ना ये इसके अंदर नहीं आते हैं आर एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग दैम अंडर आर सो फॉर नाउ आज की डेट में दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो नीदर वन नॉट टू बिल में इसको इंक्लूड करने की बात है और ये लीगल डेफिनेशन में आते हैं सो दिस इज कोऑपरेटिव बैंक देन ये है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये हेल्प करेगी मोबिलाइजेशन ऑफ गोल्ड को गोल्ड इंडियंस घर पे रखते हैं गोल्ड एंड ऑल इससे क्या होता है इंपोर्ट बहुत ज्यादा हमें करना पड़ता है इंडिया को येलो मेटल बहुत पसंद है तो हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं गोल्ड का और इससे हमारा करंट अकाउंट दिस डेफिसिट एम्पर होता है तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी ये हेल्प करती है मोबिलाइजेशन ऑफ गोल्ड हेल्ड बाय हाउस होल्ड एंडस्टीट्यूशन आप गोल्ड को करो और उसको मॉनिटाइज कर लो गवर्नमेंट इसको एनकरेज कर रही है ये फैसिलिटेट करेगा यूज ऑफ गुड गोल्ड फॉर प्रोडक्टिव परपजेज बिकॉज दिस इज आइडल और आइडल से इसको सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी में गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू दिस इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट इससे हेल्प होगा बिकॉज इम्पोर्ट कम होगा गोल्ड का बैंक्स विल बी अलाउड टू लेंड दिस गोल्ड टू जूलर ये बैंक्स जो हैं वो इस गोल्ड को आगे फर्दर लेंड भी कर पाएंगे तो आपको बताना है इसमें करेक्ट क्या है ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं ना दे आर ऑल ट्रू गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम का यही पर्पज है कि गोल्ड जो आइडल गोल्ड है उसको सर्कुलेशन इन इकोनोमी में लेके आए सो वन टू थ्री एंड फोर ऑल आर ट्रू दिस इज नंबर नाइनटीन सोवर एंड गोल्ड बॉन्ड सोवर एन गोल्ड बॉन्ड्स ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जो डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड में होता है बॉन्ड्स बॉन्ड्स होते हैं आपने लिए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी है बट ये गोल्ड के डिनोमिनेशन में है Sovereign, सरकार गोल्ड बॉन्ड्स बॉन्ड्स हैं और गोल्ड डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं दिस इज ट्रू इशूड बाय आर बी आई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बी आई इशू करती है इसे बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगी रिसीव करेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मार्केट प्राइस गोल्ड का अगर डिक्लाइन होगा तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट कैपिटल लॉस नाउ दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी है डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड एब्सोल्युटली ट्रू आरबीआई इशू कर रहा है एब्सोल्युटली ट्रू इन्वेस्टर रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यस बट यहां प्रोटेक्शन नहीं है गोल्ड का जो होगा प्राइस उसी के अकॉर्डिंगली बॉन्ड का प्राइस भी होगा तो गोल्ड का प्राइस मार्केट डिक्लाइन होगा तो इन्वेस्टर को ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है यहां पे सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी वन टू एंड थ्री ये नंबर ट्वेंटी है अनएम्प्लॉयमेंट जो है कॉज होता है ड्यू टू वर्कर्स लिविंग फार फ्रॉम द रीजन एन आर अनेबल टू मूव टू द लोकेशन बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर अपने घर गए बट अब वो लोकेशन सिटीज में नहीं है एम्प्लॉयमेंट साइट में नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए ये किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है ये काफ़ी रेलिवेंट है अभी प्रेजेंट टाइम पे साइक्लिक है फ्रिक्शनल है स्ट्रक्चरल है डिस्गाइज है डिस्गाइज मोस्टली एग्रीकल्चर में होता है फ्रिक्शनल होता है जब आप जॉब चेंज कर रहे हैं साइक्लिक मतलब एक सीजन आया जब वर्क नहीं है ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है बिकॉज एक फंडामेंटल यहाँ पे चीज़ें हो रही है कि आप जहाँ एम्प्लॉयमेंट है वहां पे यू कान गो देयर सो दिस इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसके और भी टाइप्स हो सकते हैं दीज आर द टाइप्स जैसे कि इंडिविजुअल परस्पेक्टिव में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा इनएबिलिटी टू अफॉर्ड डिसीजन सी फर्दर एजुकेशन और जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चरल हो गया चॉइस ऑफ फील्ड स्टडी में मार्केटेबल जॉब स्किल्स नहीं है ये एक स्ट्रक्चरल हो गया रीलोकेशन स्ट्रक्चरल होगा इनेबिलिटी एबिलिटी टू दिस सेला हाउस वगैरह है तो भी स्ट्रक्चरल होगा डिसीजन नहीं हो पा रहा है रीलोकेट करने का दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल तो ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं साइक्लिक फिक्शनल स्ट्रक्चरल हमारे पास टाइम का शॉर्टेज होता है दिस इज द रीजन आई ट्राई टू इम्पार्ट सो मेनी थिंग्स इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर आप भी साइमल्टेनियसली इतना ही क्विकली पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा इनपुट देंगे ना तो ये बहुत जल्दी हम बहुत सारी चीजें कवर कर पाएंगे सो दैट इज वाई रिविजन इज इम्पॉर्टेंट आई एल शेयर ऑल दिस पी विद यू कीप रिवाइजिंग एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट ओके सो दिस इज करंट अफेयर्स क्वेश्चन ट्वेंटी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉसिबिलिटी मतलब प्रोड्यूसर ने कुछ बनाया और उसकी उसके बाद भी रेस्पॉसिबिलिटी होगी रिसाइकल रिड्यूज एंड दिस अवेयरनेस एंड ऑल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉसिबिलिटी स्कीम पहली बार कब आई थी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 में प्लास्टिक एक मैनेस है एनवायरमेंट एक्ट 1986 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में या फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आपको बताना है ई पी आर दिस इज इंपॉर्टेंट एथिक्स भी है एनवायरमेंट भी है ये कब हुआ था सो द राइट ऑप्शन हेयर इज दिस ए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड दिस टर्म इन योर आंसर राइटिंग इज वेल नंबर 22 आपको ट्रेन का नाम बताना है ये इंडी है हमने खुद बनाई है डेवलप्ड ट्रेन है रन मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है इसका जो एक्सटीरियर अपियरेंस है वो एरोडायनामिक बनाया है हमने ताकि ज्यादा स्पीड ले पाए एट ऑफ द ट्रेन मेकिंग एड इट्स इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन है आज की डेट में तो ये वंदे भारत है शताब्दी है गतिमान है या राजधानी है ये ट्रेन जो है दिस ट्रेन इज दिस ए दैट इज दिस वंदे भारत एक्सप्रेस दिस इज ट्वेंटी थर्ड ये सत्य भामा पोर्टल है अभी कोल में बहुत सारे कोल सेक्टर्स में रिफॉर्म्स हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंस इंडिया इनिशियटिवस में सत्य भामा पोर्टल आई एव ऑलरेडी आंसर द क्वेश्चन दिस पोर्टल रिसेंटली जो है वो किस जगह आया था सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस माइंस ए दिस इज माइंस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सत्य भामा पोर्टल दिस इज ट्वेंटी फोर विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जी ई एम बी पैट है काफी इंपॉर्टेंट स्टेस दे रही है गवर्नमेंट दिस जी ई एम पे जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन होता है ऐसे ही गवर्नमेंट का ये ई मार्केट प्लेस होगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल होगा फैसिलिटेट करेगा ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सरकारों को भी सामान खरीदना होता है तो वो इस जेम के थ्रू अपने सामान खरीदेगी फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी खरीदना है ऑफिस रिलेटेड आइटम्स है एनी थिंग दे वुड परचेज इट फ्रॉम दिस जी ई एम इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड दिस बेटर प्रोक्योरमेंट हो पाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है क्या सो द राइट ऑप्शन हेयर इज दिस सी ये दोनों एप्सोलूटली ट्रू है हमेशा मिनिस्ट्री गलत नहीं होगी ओके यहां यूजली रॉन्ग होता है बट हमेशा नहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सो दिस इज सी ये डिसीज है काला अजर काला अजहर जो डिसीज है ये होती है एक पैरासाइट जिसका नाम है दिस लेश मैनिया विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू दिस सैंड फ्लाई सैंड फ्लाई से ये डिसीज़ होती है काला अजहर इज इट ट्रू रिसेंटली इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है काला अजहर फ्री ये रिसेंटली क्वेश्चन आई वॉज लुकिंग प्रीवियस ईयर पेपर में ये अक्सर जहाँ आया है ना वो स्टेटमेंट गलत हुआ है रिसेंटली इंडिया वॉज ऑफिशियली आई एम नॉट एनकरेजिंग दिस जस्ट एन ऑब्जर्वेशन रिसेंटली डिक्लेयर्ड काला अजहर फ्री तो ये ऑप्शन गलत है ये ऑप्शन ट्रू है सो द राइट ऑप्शन हेयर इज दिस ए वन ओनली इज ट्रू वन ओनली इज ट्रू वन ये कुछ और हैं योज हम 52, 64 में फ्री हो गए थे इंडिया फ्री डिक्लेयर किया था गीनिया वम 1996 में पोलियो 2014 में और स्मॉल पॉक्स नाइनटीन में अभी 2014 पेपर आई वॉज प्रिपेयरिंग उसमें स्मॉल पॉक्स का क्वेश्चन है कि कब ये स्मॉल पॉक्स फ्री हुआ था इंडिया सो so, कौन कौन सी डिजीजेस इंडिया में फ्री हो गया है तो ये सारी इंडिया में ये सारी डिसीजेस फ्री है सो दिस इज काला अजहर ये है ई मार्केट प्लेस ई मार्केट प्लेस दिस इज अबाउट सत्यभामा पोर्टल ट्रेन एटीन वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पांसिबिलिटी ई पी आर दीज आर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज अबाउट सोवर एंड गोल्ड बॉन्ड सोवर एंड गोल्ड बॉन्ड इज इम्पोर्टेंट गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव बैंक आज की डेट में यह स्टेटमेंट गलत है इन फ्यूचर ये ट्रू हो जाएगा दैन दिस इज ऑथोरिटी टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी दिस इज अबाउट टिन टिन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा एरिया में होता है ये घडियाल है और एक होते हैं सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल दीज आर नेशनल पार्क एंड दिस नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व ये रिंग ऑफ फायर है गिलगित श्रीनगर एंड कारगिल हैवोलोक ये सारे ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल्स होते हैं जो इंडिया में होते हैं ये न्यू ईयर फेस्टिवल रीजन है दीज आर रीजन दैन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट एंड दिस इज अबाउट मराठा कॉन्फेड्रेसी न्यूज़ पेपर शोम प्रकाश प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इंडिया सिटीजन दिस इज फंडामेंटल राइट्स एंड स्पीकर स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड एंटी डिफेक्शन दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड दिस इज़ अबाउट आर्टिकल थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी so this is 17th of september 2020 25 mcq 30 minutes thank you so much for watching this video take care study well and be safe